नमस्कार दर्शक मित्रों, वर्ल्ड ऑफ ग्लैमर विद नीतल में मैं नीतल शाह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। वर्ल्ड ऑफ ग्लैमर में हम आपके लिए लाते हैं लॉट्स ऑफ मस्ती, म्यूजिक, फन, एंटरटेनमेंट एंड लॉट्स ऑफ सेलिब्रिटी टॉक, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्लैमरस टॉक। दोस्तों, एक समय ऐसा होता था कि जब आपका मोबाइल गिर जाता था ना, तो मोबाइल की बैटरी बाहर निकल आती थी। लेकिन आज के मोबाइल इतने महंगे आने लगे हैं कि जब आपका मोबाइल गिर जाता है ना, तो हमारा किडनी, लीवर, फेफड़ा सब कुछ बाहर निकल आता है। अभी हाल ही की मैं आपको बात बताऊं तो मेरे दोस्त ने आईफोन एक्स लिया, पता है ना, वो 1 लाख वाला फोन। और जैसे ही फोन लेके बाहर निकला, बेचारे का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होते ही उसने दोनों हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, ये जो एक्सीडेंट है उसमें मेरी हड्डी तोड़ देना, लेकिन मेरे फोन को बचा लेना। क्या जमाना आ गया है। लेकिन दोस्तों, ये फोन की मुझे भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसी के थ्रू आई कैन कनेक्ट विथ यू विथ माई लवली फ्रेंड्स। और आपके बगैर हमारी कोई हस्ती नहीं है। एंड वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड फॉर योर लवली मैसेजेस। तो आप हमें मैसेज करना मत भूलिएगा एंड डू कनेक्ट विथ अस ऑन आर फेसबुक पेज, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, सभी जगह पे, यूट्यूब पे हम लोग हैं। दिव्यांग न्यूज चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड वंस अगेन वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ ग्लैमर विथ नीतल, जिसमें मैं आपके लिए आज एक बहुत ही एक्सपीरियंस सेलिब्रिटी के साथ आई हूं। ही इज मिस्टर सलील उपाध्याय। सलील जी, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ ग्लैमर, वेलकम टू दिव्यांग न्यूज चैनल। थैंक यू वेरी मच। सलील जी को डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए एक शब्द काफी नहीं होगा, क्योंकि ही इज अ एक्टर, अ डायरेक्टर, अ प्रोड्यूसर, अ राइटर, ही इज अ थिएटर आर्टिस्ट। इन्होंने फिल्म, सीरियल्स, ड्रामा, एड्स, न जाने कहाँ कहाँ काम किया है, डॉक्यूमेंट्रीज, कॉर्पोरेट फिल्म्स, कौन सी जगह नहीं किया है ये सोचना पड़ेगा। सो सलील जी, आप सभी जगह छाए हुए हैं और आपका कीमती समय निकाल के आप हमसे मिलने के लिए यहाँ आए, उसके लिए दैट्स अ वेरी बिग फॉर्च्यून फॉर अस। एंड दिव्यांग न्यूज चैनल की ओर से मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी, मेरे फैंस की ओर से आपको धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमसे मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं। सो वंस अगेन वेलकम टू दिव्यांग न्यूज चैनल। थैंक यू नितल, थैंक यू वेरी मच कि आपकी वजह से मैं आज आपके सब दर्शकों को मिल सकता हूँ और उन लोगों के साथ बातें कर सकता हूँ। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स अ लॉट। तो सलील जी, आप इतनी सारी जगह पे छाए हुए हैं, तो आपकी शुरुआत आपने कहाँ से की, ये आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए प्लीज। नितल, ये छाया हुआ और ये सब तो बातें ठीक है, लेकिन क्या है कि एक चीज है, मैं डेस्टिनी में बहुत बिलीव करता हूँ, डेस्टिनी में। हाँ जी। जब स्कूल में था तभी से मुझे एक एक्टिंग का कीड़ा था, शौक था। अच्छा। और था कि मैं बड़ा होकर एक्टर ही बनूंगा, लेकिन घर के हालात कुछ ऐसे थे और उन लोग वो टाइम पे उन लोगों की सोच जो ऐसी थी, तो वो टाइम पे मैं ये फील्ड में नहीं जा पाया। तो घर में तो सब डॉक्टर है, मेरा पापा डॉक्टर, सब डॉक्टर है, तो मेरे पास सिर्फ दो चॉइसें थी, एक इंजीनियर या तो डॉक्टर। लेकिन मैं देखता था कि मेरे पापा रात को भी पेशेंट के लिए विजिट के लिए निकल जाते थे, रात को 12 बजे 2 बजे भी पेशेंट के कॉल आते थे कि भाई ये हुआ। तो मैंने सोचा बॉस, ये अपने अपने बस की बात नहीं है 2 बजे उठ के जाने का। सो आई हैव डिसाइडेड टू बिकम इंजीनियर और देन कंप्यूटर इंजीनियर में हुआ। लेकिन अगेन, जैसे जैसे मैंने पहले आपको बताया कि दोस्तों, मैं बिलीव करता हूँ डेस्टिनी में, शायद एक्टिंग मेरे डेस्टिनी में थी। ओके। तो जब मैं पूना में पढ़ रहा था तभी मुझे, वैसे भी क्या भाई हॉस्टल में रहता था तो थोड़ी दोस्तों के साथ मस्ती वगैरह जो होती थी वो थोड़ी आवारा गर्दी भी होती थी, तो वो टाइम पे हम लोग, हमारे एक जगह थी जहाँ हम लोग कॉलेज के बाद जहाँ हम सब दोस्तों बैठते थे, जैसे बोलते ना अड्डा। अच्छा। तो एक अड्डा था। ओके। तो उधर एक मराठी फिल्म की शूटिंग होने वाली थी। और वी वर जस्ट सिटिंग देयर। तो वो टाइम पे उसका
ईपी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जो था, हम लोग बैठे थे, आके मुझे सीधे मेरे पास आके बोले, फिल्मों में काम करोगे? व्हाट आई आस्क्ड, व्हाट अगेन ही सेड, आप फिल्मों में काम करोगे? अच्छा, मैंने बोला भाई जाने तो यार, मस्ती मत कर यार, कौन मजाक करने के लिए आ गया। फिर क्यूरियोसिटी की, भाई चलो अभी ये कुछ आया है तो अच्छा, कौन सी फिल्म है? क्या मराठी? अगेन आई सेड, अरे बाबा तू जाने यार। क्योंकि मराठी मुझे आती नहीं थी, और मुझे सिर्फ 3-4 महीने हुए थे मैं सूरत से उधर गए हुए, तो डेफिनेटली मराठी इतनी मेरी थी नहीं। फिर से बोला आप टेंशन मत लो, वो आपकी जो आवाज है ना, हम लोग डबिंग कर लेंगे। तभी सीरियसली एक बात मैं बताऊं, मुझे पता नहीं था डबिंग क्या है, ये सब क्या है, वो सब मुझे पता नहीं था। मैंने बोला ठीक है चल बाबा, चल तू बोलता तो। फिर मैंने बोला तो कितना पैसा मिलेगा? वो टाइम पे उसने मुझे एक दिन का 100 रुपया दिया था, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट 1980s। और तब से दैट वॉज माई फर्स्ट फिल्म, आई एक्टेड विथ लक्ष्मीकांत बेर्डे, द सुपरस्टार ऑफ मराठी इंडस्ट्री। एंड मेरी शुरुआत उधर से ही हुई। और अगेन डेस्टिनी की बात जो मैंने की नितल, कि मेरी जो कॉलेज थी, कॉलेज और फिल्म इंस्टीट्यूट की हमारी जो वॉल थी, दैट इज अ कॉमन वॉल, एंड कैंटीन मोस्टली कॉमन थी, तो हम लोगों दोस्तों के साथ आते जाते मिलते थे। तो मतलब नसीब आपको खींच खींच के फिल्म इंडस्ट्री की ऑल लेके जा रहा था, सभी जगह पे आपको वहीं पे पूरा अट्रैक्शन हो रहा था, एक मैग्नेट भरा हुआ है जो आपको वहाँ पे खींच रहा था। सो या दैट्स आई वुड से वेरी मच यू वर वेरी लकी टू गेट इन टू द फील्ड दैट यू लाइक्ड अबाउट, दैट यू ड्रीम्ड अबाउट, दैट वॉज इन योर डेस्टिनी। एंड आप अच्छे से अपनी पसंद का काम इतने सालों से बहुत अच्छे से करते आए हैं। नितल, I'm sorry to interrupt you. So, ये बात को मैं थोड़ी आगे ले जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं इंजीनियर हुआ, लेकिन एक्टिंग में नहीं गया। और मुझे अभी जैसे क्या है कि भाई थोड़ी भगवान की मेरे पे कृपा है कि मैं जो भी काम करता हूँ बहुत दिल से करता हूँ। सो जब मैं इंजीनियर हुआ और मुझे करना था कंप्यूटर का बिजनेस ही, सो आई हैव स्टार्टेड माई कंप्यूटर बिजनेस। करीबन 17-18 साल तक मैंने बिजनेस किया। फिर अगेन डेस्टिनी टर्न्स, द स्टार्स टर्न्ड एंड आई एंटर्ड इनटू दिस फील्ड। ओके, एंड माय जर्नी बिगिंस विद एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर, स्टार्टेड माय जर्नी एज ए एक्टर राइटर। या कभी कभी राइटिंग भी कर लेते हैं, तो वो कभी कभी भी आपकी बहुत अच्छी राइटिंग होती है। तो आपने कौन कौन सी मूवीज में सलील जी काम किया है? हिंदी फिल्म क्या हम जिंदा है, दैट आई डिड, दैट इज ऑन गोधरा कांड, जो गोधरा कांड हुआ था उसके ऊपर बेस था। लेकिन क्या था उसमें कि वो फिल्म आपको भी पता है पॉलिटिकली कितनी थी, सो रिलीज तो हुई लेकिन इतने सारे कट्स के साथ, सो हम लोगों ने बोला प्रोड्यूसर को कि बॉस रिलीज मत करना, क्योंकि हम सब इसमें काम कर रहे हैं, हम सब का दांव लगा हुआ उसके ऊपर। फिर भी रिलीज तो हुई, प्रोड्यूसर के पैसे लगे हुए थे। देन आई एक्टेड इन इंग्लिश फिल्म ब्रोकन विंग्स, दैट इज फॉर जी, या दैट वाज अ वेरी पॉपुलर एंड दैट वाज अमेजिंग, या दैट वाज अ वेरी वंडरफुल मूवी, वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ माय मूवी। देन इनफैक्ट आई स्टार्टेड विद गुजराती फिल्म, दैट वाज द फर्स्ट हॉरर फिल्म ऑफ गुजराती। लेकिन कभी कभी डेस्टिनी क्या कि भाई पलटती है, यहाँ तो वहाँ लेके जाती है। वो फिल्म रिलीज नहीं हुई, फिर भी ओके आई ट्राइड। स्ट्रगल तो लाइफ में होती रहती है और करनी पड़ती है, तो धीरे 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 आ गया। देन यशोदा फिल्म किया आई डिड, देन बहुत सारी लाइक CID, देन किटी पार्टी, देन बहुत सारी सीरियल्स भी की। आपकी सीरियल्स तो मतलब मसाला बहुत सुपर डुपर हिट सीरियल्स है। आई थिंक अभी आपने कुछ सेंचुरी भी लगा दी थी आपकी सीरियल ने, तो उसके बारे में आप हमें बताइए। ना दैट वाज लाइक मेरा प्रोजेक्ट था, आपको पता है डॉक्टर शरद ठाकर,
पोस बहुत इज अ लिटरेचर उसका बहुत अच्छा है डॉक्टर ने डायरी गुजराती में दैट वाज अ सीरियल ऑन जी गुजराती एंड वो बहुत अच्छी अच्छी तरह से सीरियल हुई मेरी देन अभी लाइक दो साल पहले कलर्स गुजराती पे कुमकुम ना पगला पड़ा आई डिड 500 एपिसोड्स फॉर दैट दोस्तों की एक ऊपर वाले कृपा और दोस्तों का दुआ दोस्तों की दुआ जो होती है उसके साथ सब कुछ चला जाता है और ऑफकोर्स माई जो भी मेरे व्यूअर्स मेरे फैंस है उसका प्यार जो हमेशा साथ में रहता है वो तो होता है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता है तो आपने बहुत सारी मूवीज सीरियल्स की है इसके साथ आपने एड्स वगैरह में भी काम किया है शॉर्ट फिल्म भी आपने की हुई है शॉर्ट फिल्म मैंने बनाई है दो चार फिल्मों में काम किया है शॉर्ट फिल्मों में दोस्तों की फिल्म थी तो काम किया था लेकिन बेसिकली एड फिल्म से मैंने बहुत काम नहीं किया लेकिन एड फिल्म के जो कॉन्सेप्ट है दैट आई एम मेकिंग आई एम डेवलपिंग दैट कॉन्सेप्ट डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट बहुत सारी एड्स है जो मेरी नेशनल टीवी पे अभी चल रही है बट ओके फाइन आई एम कॉन्सेप्ट सेलिंग यू कैन से लाइक दैट ओके तो क्रिएटिविटी एकदम जड़-जड़ में भरी हुई है आपके कण-कण में भरी हुई है तो आपकी किसी फिल्म में शॉर्ट फिल्म को आपको कुछ नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिला था उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए हाँ बस कुछ करना था एक दिमाग में आया और मुझे पता है दोस्तों कि रात को 2 बजे मैंने मेरी वाइफ को जगा के बोला चाय बना और थोड़े पकौड़े बना दे वाइफ चिल्लाने लगी 2 बजे बनाने यार मुझे कुछ लिखना है सो वो जाग के बनाई कुछ ऐसे ऐसे करके लेकिन बना दिए और तब तक मैंने कुछ लिखा और वो लेके आई तब मैंने सुना देख पढ़ मैंने क्या लिखा है तो उसके आंख में आंसू आ गए तो मैंने सोचा कि अभी तो मैंने इतना ही लिखा है और उसका रिएक्शन ये है जो माय फर्स्ट क्रिटिक इज माय वाइफ मेरे जो भी प्रोजेक्ट है तो हमेशा लाइक मेरे थिएटर मेरे ड्रामा के शो में भी हर शो में वो हाजिर रहती है और मैं उसे बोलता हूँ आज मेरा परफॉर्मेंस कैसा है तो शी इज माय फर्स्ट क्रिटिक सो उसका जब रिएक्शन मैंने देखा तभी सोचा अगर ये रिएक्शन इसका है तो शायद मैं पूरी फिल्म करूं तो रिएक्शन कैसा रहेगा देन आई हैव रिटन और उसका शूटिंग हो गया फेस्टिवल में गई फेस्टिवल में आई गॉट द अवार्ड एंड सब पता तभी सब खुशियां ओके तो ये फिल्म का नाम क्या था फिल्म का नाम बहुत अच्छा था माँ दैट वाज द टाइटल ऑफ माँ टाइटल सुन के ही एकदम ममता भर जाती है आपके दिलो दिमाग में वैसी ही ममता से भरी हुई आपने इतनी अच्छी मस्त शॉर्ट फिल्म बनाई इसको तो मतलब अवार्ड्स मिलने ही थे और आपकी वाइफ को आप जितना परेशान करते हैं मुझे लगता है कि उनको भी हमें यहाँ पे इनवाइट करना चाहिए था टू नो मोर अबाउट यू एंड आपकी वाइफ को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है आपको और इतना आपके सभी शोज में वो आपको सपोर्ट करते हैं आपको गाइड करते हैं आपको मोटिवेट करते हैं इट्स ऑलवेज सेड के सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है एंड दैट्स योर वाइफ इज अ परफेक्ट डेफिनेशन सफल पुरुष के पीछे वाइफ तो होती है एक स्त्री होती है लेकिन सबसे बड़ी बात मेरे साथ मेरा पूरा फैमिली है माय सन इज आल्सो इज अ डॉक्टर ही इज आल्सो सपोर्टिंग मी एंड पूरा फैमिली माय मदर माय फादर माय ब्रदर एवरीबॉडी इज सपोर्टिंग मी ओके सो यू हैव अ वेरी सपोर्टिव फैमिली एंड आई वुड से यू आर लकी टू हैव सच अ नाइस फैमिली और इसके अलावा आप थिएटर्स में भी बहुत अच्छा काम कर चुके हैं तो आपकी थिएटर जर्नी के बारे में भी आप हमें कुछ बताइए थिएटर इज माई फर्स्ट पैसन शायद मैं ऐसे बोल सकता हूँ और बोलता हूँ मेरे वाइफ को भी बोलता हूँ कि थिएटर इज माई फर्स्ट वाइफ यू आर माई सेकेंड वाइफ अच्छा तो फिर उनको थोड़ा बुरा लगा यस करेक्ट बुरा तो लगता ही है सब वाइफ को जब मैं सेकेंड वाइफ बोलता हूँ तो बट थिएटर जो देता है ना
वो सब कुछ मुझे दिया है लाइफ में, मुझे जो भी मिला है वो थिएटर से मिला है। मुझे दोस्तों दोस्त मिले, मुझे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स मिले, और कैरेक्टर्स के साथ जो मिला सबका प्यार, बहुत सारे कितने कितने हजारों की तादाद में मेरे जो भी प्रेक्षक है, मेरे दर्शक है, उसका प्यार मुझे मिला है। और मेरी थिएटर की जर्नी अभी तक लास्ट 25 इयर्स से इट इज़ कंटिन्यूसली गोइंग ऑन। दैट्स रियली वंडरफुल टू नो, आप 25 सालों से थिएटर के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप इतने सालों से इतने सारे प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, इतने सारे रोल्स किए हैं, तो आपका फेवरेट वाला रोल कौन सा है, और ऐसा कोई रोल है जो आप अभी भी निभाना चाहते हैं, जो अभी आपको मिला नहीं है? हाँ, मैंने अभी तक मैं करना चाहता हूँ जो ड्रीम नितल आपने जो बताया मुझे कि कौन सा कैरेक्टर मैं करना चाहता हूँ। हाँ, थिएटर में बहुत सारे कॉमेडी रोल्स किए, सीरियस रोल्स किए, फादर बना, सन बना, दादा बना, सब तरह के रोल किए मैंने। लेकिन जो करना है मुझे एक नेगेटिव रोल करना है थिएटर के ऊपर, जो अभी तक मैंने नहीं किया। शायद लोग बोल रहे, लोग मुझे कहते हैं कि तेरी पर्सनैलिटी सूट नहीं करती। अच्छा। पता नहीं मुझे, लेकिन दैट इज आई वॉन्ट टू डू। ओके, सो सारे जो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ये देख रहे हैं, ये इनडायरेक्ट मैसेज है आपके लिए कि भाई हमारे सलील जी को एक नेगेटिव रोल दे दीजिएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि यू लुक मच मच गुड एंड बेटर इन अ पॉजिटिव रोल ओनली, नेगेटिव की और क्यों जाना है, इतना अच्छा आपका करियर ग्राफ है, इतना अच्छा है। नेगेटिव इज आल्सो इट्स यू नो negative role. It's a very challenging role. I know. Correct. That. And that is why I am scared to go on the negative side. तो ये तो आपका ड्रीम रोल हुआ, लेकिन अभी तक आपने जो सारे रोल्स किए उसमें से आपका फेवरेट कौन सा है? मेरा फेवरेट, मेरा अभी एक प्ले चल रहा है, खेल खेल मगन खेल है जी। हाँ, उसके अंदर मैं निभा रहा हूँ एक प्राउड With full of proud person, very rich person, Amar Devan. That is all set very well. बहुत सारे shows किए मैंने उसके, और वो बहुत अच्छी तरह से जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, एक और नितल, अभी just 15 दिन पहले मैंने एक नया play open किया है, that is अदालत 24/7. Okay. हाँ, और that play, और जो role, जो किरदार मैं उसमें निभा रहा हूँ वो बहुत अच्छा है। शायद ऐसा के जहन में, मेरे जहन में पूरा उतर गया है। वेरी गुड स्क्रिप्ट, रिटन बाय मिस्टर अरविंद जोशी, द फादर ऑफ शर्मन जोशी, एंड द कैरेक्टर आई एम प्लेइंग इज अ फादर, वेरी रिच एडवोकेट ऑफ बॉम्बे, और उसमें एक रिलेशनशिप की बात है बहुत अच्छी, जो मेरे जहन में पूरा उतर गया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब मैं स्टेज पे होता हूँ और ये किरदार जब मैं निभाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो हाँ, हम जरूर देखने आएंगे आपका ये शो। यस पक्का। यस, एंड आई आल्सो इनवाइट ऑल माय व्यूअर्स आल्सो कि आप ये शो जरूर देखिएगा। और ये कहाँ कहाँ अभी आपका शो चल रहा है वो हमें बता दीजिए। हाँ, सूरत, वलसाड, वैसे तो मैं पूरा इंडिया में मैं घूमता हूँ शोज लेके, सो एवरीवेयर आई एम गोइंग। और अभी सूरत में ये 28 तारीख को है। हाँ दोस्तों, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम कनेक्टेड टू थिएटर एंड सूरत इज ए मक्का, थिएटर का मक्का बोल सकते हैं। okay. और बहुत सारे एक्टिविटी, बहुत अच्छी एक्टिविटी सूरत में हो रही है। सूरत में एक आर्टिस्ट एसोसिएशन है, सूरत परफॉर्मिंग आर्टिस्ट एसोसिएशन, स्पा। और लास्ट ईयर हम लोगों ने 24 आवर्स प्ले किए थे, नॉन स्टॉप। और ये साल हम 27 और 28 दो दिन के लिए 48 आवर्स नॉन स्टॉप प्ले कर रहे हैं, एंड दैट्स गोइंग टू बी अ बिग रिकॉर्ड। करेक्ट। और आप सबको मैं इनवाइट करता हूँ, परफॉर्मिंग सेंटर जो है LP सवानी रोड पे, आप सबको मेरी ओर से निमंत्रण है, आप सब आइए। और सारे करीबन 350 आर्टिस्ट उसमें काम करे, उसके आप आके उन लोगों को मिलिए, उसका काम देखिए जरूर। 27th एंड 28th मार्च, राइट? 26 रात 12 बजे से लेके 28 रात 12 बजे तक।
So that would be a wonderful experience to be a part of a record breaking yes. event. So viewers, आपके पास दो दिन में जहां कहीं पे भी time adjust होता है वहां पे आप जाके ये जरूर देखेगा and this ये मौका फिर नहीं मिलेगा क्योंकि आप बहुत सारे shows देख सकते हैं लेकिन ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है इवेंट नॉन स्टॉप एक के बाद एक जो नाटक आते जाते हैं और जिस इसमें जो जिस तरह से सारे आर्टिस्ट ने मेहनत की हुई है ये तो मतलब काबिले तारीफ है और ये जरूर यू शुड गो एंड वॉच दिस एंड इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर सूरत कि सूरत में ये पूरा रिकॉर्ड ब्रेकिंग इवेंट हो रहा है तो सलील जी आपका भी शो इसमें एसोसिएटेड है हाँ मेरा शो 28 को है दोपहर 3 बजे तो आप आइए अदालत 24/7 देखिए और आप उसका भी एक आप भी उसमें चले जाएंगे आप भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे वो मेरी गारंटी है आपको दोस्तों बहुत ही आपने एकदम ही क्या कहे अट्रैक्टिव बात कही है और आपकी बात सुन के मैं इतना अट्रैक्ट हो गई हूँ कि मैंने अभी से मेरा 28 का 3 PM का टाइम बुक कर दिया है सो दैट वाज रियली वंडरफुल टॉकिंग टू यू सलील जी और इसके बाद नाउ वी कम टू द पोर्शन ऑफ आर एपिसोड जो मेरा फेवरेट है दैट्स अ स्मॉल रैपिड फायर राउंड अ गेम शो काइंड ऑफ थिंग इसमें हम क्या करते हैं सलील जी कि आई हैव अ फ्यू डायलॉग्स फ्रॉम हिंदी मूवीज आपको मूवी का नाम गेस करना है डिफिकल्ट है डिफिकल्ट अरे आप इतने सालों से इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं तो आपके लिए तो डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए सो आपके पास वी हैव 3 rounds इन दिस तीन राउंड में 3 अलग-अलग चीजें आएगी और तीनों राउंड आपके 1 minute का होगा So for this round, your time begins now. Okay. आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है, दीवार. Very good. गोल्ड तो गोल्ड होता है, छोरा लावे कि छोरी? आमिर खान. आमिर खान, correct. हाँ, लेकिन movie. दंगल करेक्ट एक मच्छर आदमी को इजड़ा बना देता है अभी नाना पाटेकर है मूवी का नाम यही तो प्रॉब्लम है हमारे साथ यशवंत या बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा सेनोरिटा है तो ऋतिक रोशन नो शाहरुख खान करेक्ट तो क्या मूवी का नाम तो पागल है दिल वाले दुल्हन ले जाएंगे ओह सो योर टाइम्स अप आप ज्यादा एक्टर के नाम अच्छे से बता सकते हैं ओके द नेक्स्ट राउंड आई थिंक वुड बी अ लिटिल बिट इजियर फॉर यू ओके क्योंकि उसमें हमारे पास क्या है वी हैव द मूवी नेम्स ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश मैं आपको उसका इंग्लिश वर्जन बताऊंगी आपको उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है सो दैट विल बी इजी फॉर यू ओके सो ओवर हियर आई हैव लाई ओके वेट आई हैव टू स्टार्ट माय टाइमर सो योर टाइम बिगिंस नाउ ओके लाई एंड द क्रो बाइट्स झूठ बोले कौवा काटे वेरी गुड हस्बैंड वाइफ एंड दैट पति पत्नी और वो कोल कोयला यस वेरी गुड ही हु विंस इज अलेक्जेंडर जो जीता वो सिकंदर वेरी नाइस वन विथ हार्ट्स विल टेक द ब्राइड अब भी बात की ना हाँ वंस वन विथ हार्ट विल टेक द ब्राइड दिल वाले दुनिया ने ले जाएंगे यस वेरी नाइस द हार्ट वांट्स हार्ट वांट्स WANT वांट्स दिल मांगे मोर दैट मैचेस आई हैव इट दिल चाहता है ओके दिल नॉट मोर फायर वे अग्निपथ फायर विटनेस हाँ अग्निसाक्षी Very good. You got almost all of them, I guess.
So that was a wonderful round. And the third round is also going to be that interesting. Okay. इसमें सेम चीज जो हमने मूवी नेम्स के साथ किया वही हम सॉन्ग्स के साथ करेंगे. Again, it is difficult for me. क्यों सॉन्ग्स नहीं अच्छे लगते हैं आपको? ये बात अच्छी नहीं है. But you can try, you'll love this one. Definitely, I would like to try. Mm-hmm. So, your time begins now. Forget me, goodbye to you. You have to live without me. Forget me, goodbye to you. You have to live without me. Yeah, yeah, jaldi, jaldi, jaldi. Bye bye me. Nahi. Bhula dena mujhe hai alvida tujhe. Achha. Moment, moment, near my heart you stay. Are yaar. Moment, moment. Moment. Har kshan tum dil mein rehti ho. Right? Yes, yes. Yes, yes, yes. Jaldi, jaldi, jaldi. Har time tu pal, dil mein. Pal, pal, dil mein rehti ho. The friendship, this friendship we will never break. Haan, ye dosti hum nahi todenge. After seeing water's color, I started crying. Pani. Haan? Pani. After pani re pani tera. Pani da rang dekha ke. If you can understand us, then understand us, sweetheart. Your time's up. I'll give this one to you. Mm-hmm. If you can understand us, then understand us, sweetheart. The more you understand, the more you'll be surprised. Sorry. हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी. Okay, so that was a wonderful round and you are very good playing with the games. No matter if you can answer or not answer, but still you were a very good sport. And I would thank you for playing such wonderful games with thank me. You. Thank you, Nita. And before we end, you are a very experienced artist. आप सालों से industry के साथ जुड़े हुए हैं. तो हमारे जो upcoming artist है, जो आपका ये सो देख रहे हैं उनके लिए आप एक स्पेशल मैसेज दीजिए प्लीज. दोस्तों, मैंने पहले भी कहा कि जो भी काम करो दिल से करो. कहते हैं ना कि आप जो भी काम करेंगे दिल से करेंगे तो पूरी कायनात आपके साथ रहेगी. आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो दिल कहता है वही करना चाहिए. चाहे दुनिया कुछ भी करे, क्रिटिक्स लोग तो बहुत कुछ करेंगे, लोगों को आदत है कहने की, लेकिन आप अपने काम पे, अपने गोल पे डटे रहिए, मंजिल बहुत जल्दी मिलेगी. क्या बात है, क्या बात है. आपने अपने मैसेज में बहुत सारी मूवीज के नाम भी बता दिए हैं. सो इसी शुभकामना के साथ कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा काम मिलता रहे एंड आपके शोज हम जरूर देखने के लिए आएंगे. सलील जी, आप इतने अच्छा टाइम निकाल के हमारे साथ यहाँ पे जुटे रहे, जुड़े रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और दोस्तों, आपसे फिर से एक बार मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद. We'll be right back.